जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाली 28 अगस्त को पूरे राजस्थान में छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा है। भाइयों, ये छात्र संघ का चुनाव अब हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, बात दीपक मीणा की और हमारे एनएसयूआई के पैनल की नहीं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है आपस में। एक वो विचारधारा जो हमारे नौजवान साथियों को जाति धर्म के आधार पे, जाति धर्म के नाम पे लड़ना चाहती है आपस में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आज इस मंच पे मौजूद बड़े भाई नरेश जी भाई साहब, राकेश जी मीणा और एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई दीपक मीणा जी और जो भी सम्मानित लोग यहाँ मौजूद है, आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि छात्र राजनीति में जो भी नौजवान भाई कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि एनएसयूआई वो छात्र संगठन है जिसने हमेशा पूरे राजस्थान में, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हर छात्र छात्राओं को चुनाव लड़ने का, उनको हमेशा एक मंच देने का मौका दिया। और विशेषकर आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये चुनाव दीपक मीणा नहीं, इस राजस्थान का वो नौजवान लड़ रहा है जो एक सामान्य परिवार से आता है, एक किसान परिवार से आता है। और साथियों, उन नौजवानों के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है जिसको इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने हमारे लाखों भाइयों के जो बेरोजगार करके उनके सपने तोड़े हैं, उनके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये पूरा पैनल और हमारे जो भी सीनियर साथी यहाँ मौजूद है, आपके बीच में खड़े रहकर छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं बल्कि इस राजस्थान के हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और हमारे नौजवान भाइयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए जय जवान।